चंद्रपुर जिले के दौरे पर आए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे चंद्रपुर व राजूरा के उम्मीदवार घोषित कर जाने के बाद राजूरा की उम्मीदवारी को लेकर मनसे के दो गुट आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है। चंद्रपुर जिले के दौरे पर आए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे चंद्रपुर व राजूरा के उम्मीदवार घोषित कर कार्यक्रम स्थल से जाने के बाद राजूरा की उम्मीदवारी को लेकर मनसे के दो गुट आपस में भिड़ने का मामला सामने आया। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने चंद्रपुर विधानसभा मतदार संघ से संदीप रोड़े व राजूरा विधानसभा मतदार संघ से पूर्व पार्षद सचिन भोयर की उम्मीदवारी घोषित की, जिसके बाद भोयर की उम्मीदवारी को लेकर सभा स्थल पर विवाद हुआ, जिसमें मनसे के दो गुट आपस में भिड़ गए और हाथापाई हुई। इस हाथापाई में कुछ लोग जख्मी होने की जानकारी है। इस समय विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। भोयर की उम्मीदवारी हमें मंजूर नहीं, उनकी उम्मीदवारी रद्द करें, ऐसी मांग बोरकर ने की। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे नव निर्माण यात्रा के अवसर पर चंद्रपुर जिले के दौरे पर आए थे। वे स्थानीय एनडी होटल में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से बैठक कर चर्चा की। इस कार्यक्रम के बाद वे रवाना हुए, जिसके बाद मनसे के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे से गाली गलौज करते हुए और मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जिसमें राजूरा के पदाधिकारी व सचिन भोयर के कार्यकर्ता होने की बात कही जा रही है। इस विवाद के बाद मनसे जिला उपाध्यक्ष प्रकाश बोरकर को पार्टी से निष्कासित कर दिए जाने की जानकारी है। सर, ज्या पक्षाला आज 2009 पासून प्रकाश बोरकर राजूरा विधानसभा क्षेत्र मध्ये त्याला खऱ्या अर्थाने वाढवलं, 10 ते 15 वर्षापासून नांदा ग्राम पंचायतीवर काही का असेना सत्ता आहे, आणि आम्ही 2012 मध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुद्धा लढली, आणि राजूरा कोरपना ज्युतीमध्ये सर्वात जास्त शाखा या प्रकाश बोरकरनी उभ्या केल्या, परंतु त्यांना न राजूरा विधानसभा क्षेत्राची सीट न देता साहेबांनी जे 10 ते 12 दिवसापासून आलेला सचिन भोयर, जे चंद्रपूरचा रहिवासी, त्याला सीट देऊन साहेबांनी बहुत मोठी गलती केली। याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कधी माफ करणार नाही, आमचे पदाधिकारी सुद्धा माफ करणार नाही। काय करणार आहे तुम्ही आता? साहेबांनी 31 राजूरा विधानसभा बरखास्त करावं, तिथून लढू सुद्धा नाही। अशी भूमिका काय असणार आहे? आम्ही बंडखोरी करणार, सरळ सांगत आहोत, बंडखोरी करणार। अशा घटना प्रत्येक पक्षामध्ये होत असतात, तर या गोष्टीकडे लक्ष न देता उमेदवारी जाहीर झाली आणि ती राजूरा विधानसभा सर कशी करायची, जिंकायची कशी, त्या विधानसभेतले शेतकरी कामगार जे दुर्लक्षित घटक आहेत त्यांचे प्रश्न कसे सोडवायचे ते काम आम्ही चांगल्या क्रमाने करणार आहे। पक्षांतर्गत साहेबांनी त्यांची हकालपट्टी घोषित केली आहे, त्याचं पत्र लगेच उद्याला किंवा आज मिळून जाते।